थोड़े से चोरों को जिनकी सारी दौलत और पैसा पाकिस्तान से बाहर है, जिनका स्टे ही पाकिस्तान में नहीं है, जिनके बच्चे जायदाद अलाज प्रॉपर्टीज बिजनेसेस अरबों अरबों डॉलर की इस मुल्क से चोरी करके जो बाहर ले गए हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान नीचे जाता है? फर्क तो हम लोगों को पड़ेगा जिनका जीना मरना यहां है, जिनकी कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, जिन्होंने बाहर कमाया भी था तो सब कुछ आज अपने मुल्क में है। नुकसान तो उनको होगा और ये उस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस मुल्क को निकालें इस मुश्किल से, ये मजीद उस तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं और ये वो चीजें कर रहे हैं जो ये समझते नहीं है कि कौम बदल चुकी है, ये समझते नहीं है ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये समझते नहीं है कि शऊर कितना आ गया लोगों के ऊपर। इसलिए मैं आज अपनी सारी कौम को, मैं आज सारी कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो तबाही का रास्ता है, ये तबाही का रास्ता हर उस पाकिस्तानी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है उससे बचाने के लिए आप सबको पुरमन तरीके से एहतजाज करना पड़ेगा। ये आपका सबका आईनी हक है, ये आपका इंसानी हक है, ह्यूमन राइट है आपका। जब आप देख रहे हैं मुल्क में इस तरह की जुल्म और नाइंसाफी, इस तरह के लोग जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए जो ऊपर आके बैठ जाए, और जब आप वाजे तौर पे देख रहे हैं कि कौम अमर बिल मारूफ से उठ गई है, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, ये सारे वो लोग, ये जो आदमी 35 लाख रुपया चोरी करके जो वापस दे के आया है नैब को, वो इस पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेगा और ऊपर सारा करप्ट टोला सेंटर में बैठा हुआ है, 60% कैबिनेट जमानत पे है करप्शन पे। अगर हम अपनी आवाज अपनी बुलंद करेंगे तो हमारे लिए आगे मजीद और मुश्किलात आ रही हैं सामने, अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए। मैं कल मुजाहरा शुरू कर रहा हूं, मैंने कहा है कि मेरी मुजाहरा करें, हम पुरमन एहतजाज करें। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मोहसिन नकवी को लेके आया है, हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, उसके बाद अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा बुध को, उसके बाद हम फैसलाबाद में एहतजाज करेंगे, हम मुल्तान में एहतजाज करेंगे, हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते।